फ्रेंड्स, और हम यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिसंहिता का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। तो निम्न में से कौन सा ऐसे लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए? तो ए है विशिष्ट, बी ध्यान देने योग्य, सी मापन योग्य और डी है उपरोक्त सभी। इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? इसमें ए कह रहा है कि शिक्षक जो है एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। बी है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, छात्र एक आश्रित चर है। सी है दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, जो शिक्षक होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है और जो छात्र होता है वो आश्रित चर होता है, क्योंकि वो अपने शिक्षक पे, जो एक छात्र होता है वो अपने शिक्षक पे डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, चिंतनशील स्तर, क्योंकि ये ऐसा स्तर होता है अध्ययन का या अधिगम का जहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो मेच्योर हो चुका होता है। क्योंकि ये जो स्मृति स्तर है ये पहला स्तर होता है, यहाँ पे वो वही चीज़ें याद करता है, वही चीज़ें कंठस्थ करता है जो उसको टीचर बोलते हैं। बोध स्तर पर वो कंठस्थ की हुई चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, और ये जो चिंतनशील स्तर है ये सबसे उच्चतम स्तर है जहाँ पे वो क्या करता है, अपने खुद के द्वारा वो चिंतन करता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में। तो और वहाँ पे उसे खुला और स्वतंत्र होना चाहिए जब वो चिंतन के स्टेज पे पहुँच जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसमें फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा, शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है आंसर हो जाएगा पहला, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही जो ज्ञान क्षेत्र है उसको तीन प्रकार से उसका वर्गीकरण किया है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, फिर है भावात्मक और एक है मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला कथन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले सीखी गई सामग्री का उपयोग, यहाँ उपयोग लिखा है, उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, ए नहीं होगा, ये जो बी है, क्योंकि पहले से हम किसी भी सीखी हुई सामग्री का उपयोग करते हैं अर्थात हम उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अभी हमने देखा नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा डी, मूल्यांकन कभी भी जो है ये क्या होता है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर होगा, क्योंकि जब आप ये सारी क्षमताएँ प्राप्त कर लेते हैं, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, धारणा को जो है समझना, इसके बाद ही आप किसी भी विषय वस्तु का मूल्यांकन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण होता है वो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, क्योंकि शिक्षक ही ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये एक आसान क्वेश्चन है, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, असत्य पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पहला ये स्टेटमेंट गलत है, असत्य है, और असत्य ही पूछ रहा है, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा नहीं है, शिक्षा जो है एक व्यापक अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है?
तो अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, उपरोक्त सभी जो है शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। यहाँ अनुपयुक्त की बात हो रही है। पूछ रहे कठोर अनुशासक अनुपयुक्त तो ये भी है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, ये तो होगा ही नहीं। अनुपयुक्त की बात कर रहा है जिसकी शिक्षा में कोई अभिरुचि नहीं, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो इस प्रकार सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं, यानी टीचिंग के मैक्सिम्स हैं। तो पहला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और प्रकृति का पालन करना या अनुसरण करना। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, विश्लेषण का या संश्लेषण का अर्थ पूछ लिया जाता है। संघटक के भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संघटक भागों का संयोजन करना, ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। बी नहीं होगा क्योंकि बी जो है ये जो है संश्लेषण, संघटक भागों का जब संयोजन करते हैं तो ये संश्लेषण की विशेषता है। और विश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कोई बड़ा प्रश्न है या कोई, उसको हल करने के लिए हम उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, उसके एक एक घटक का फिर हम आंसर देते हैं, तो इसको हम विश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ये। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा बी, शिक्षण सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। तो ए है अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेश को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से शिक्षण संव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। तो इसमें शिक्षक ए है सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, शिक्षक अपने व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, आयोजन की क्षमता। तो इसमें जो है सी सही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कि शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक। तो शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ की ये बात कर रहा है, अर्थात इनकी अकादमिक पृष्ठभूमि सराहनीय अच्छी है तभी ये इस संव्यवसाय में आए हैं, इसको प्रारंभ किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक यही होगा कि उनका जो शिक्षक का व्यक्तित्व है और जो उनकी क्षमता है वो कक्षा और छात्रों से संबंधित कर पाए। इस प्रकार सही आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण की, शब्दों को पर्टिकुलर आप ध्यान देंगे, प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जैसे कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीखना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो जब आप शब्दों को ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा कि नहीं डी सही है, या फिर ए भी लग सकता है, पर जब शब्दों, क्योंकि ये सारी क्वालिटी हैं तभी वो शिक्षक बन के आए हैं। अब वो क्या प्रभावी शिक्षण, शिक्षण को अपने प्रभावी कैसे बनाएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है, तो ये भी लेकिन एक आसान क्वेश्चन है। टैगोर का कौन सा स्टेटमेंट है, विवेकानंद का क्या है, महात्मा गांधी का क्या है, बौद्ध धर्म का क्या है। तो एक दो चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है ये कर्म के सिद्धांतों में विश्वास करता था, कर्म और आचरण, क्योंकि ये भले ही कहने को धर्म था पर ये आचरण पे विशेष बल देते थे। वहीं हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का ये कथन है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। और वहीं विवेकानंद की बात करें तो ये कहेंगे कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। इसको याद करने का एक आसान ट्रिक ये भी है कि योग, स्वामी विवेकानंद ने योग के द्वारा ऐसी क्षमता विकसित कर ली थी कि वो कोई भी किताब एक बार पढ़ लेते थे तो वो उनको याद हो जाता था। एक बार ऐसी घटना भी हुई थी, कहानी छोटी सी है,
वो लाइब्रेरी से हर रोज़ पुस्तक जो है वो चेंज करके लाते थे। तो एक दिन लाइब्रेरियन ने पूछ लिया तो उन्होंने बता भी दिया, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुआ। तो योग के कारण ही उन्होंने ऐसी क्षमता डेवलप की थी। तो विवेकानंद का कथन है कि योग शिक्षा का एक माध्यम है, इस प्रकार आपको ये हमेशा याद रहेगा। वहीं जो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते जी हैं वो कहते हैं कि बालक जो है सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात महत्व किसका है? बालक का है, और बालक ही पुस्तकों को पढ़ता है और सीखता है। तो इसमें इस प्रकार सही आंसर सी है। आप देख रहे हैं कि विवेकानंद, आप देखेंगे एक मिनट, ये जो सी आंसर है आप इसको मैच करके भी देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद दूसरे का चौथा सही है, योग योग को उन्होंने कहा शिक्षा का एक माध्यम है। वहीं आप तीसरा महात्मा गांधी का पहला, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। चौथा जो है दूसरा है बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत से संबंधित है। इस प्रकार सी आंसर सही है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि किसने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र को निर्मित करता है, मन की शक्ति को बढ़ाता है, ज्ञान का विस्तार करता है, जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद जी का ही है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या सी शिक्षण गतिविधियों में जो है सबसे पहले आने चाहिए। तो शिक्षण गतिविधियों में उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना। तो शिक्षण की जब प्रक्रिया में ये सभी ही आते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और हमारा आज के सेशन में हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। पहला है शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं नहीं भी। तो ये नहीं सही है, क्योंकि छात्र सक्रिय होते ही हैं। फिर शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय होता है परंतु छात्र सक्रिय होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिक्षक निष्क्रिय कैसे हो सकता है, वही तो पढ़ाता है। सी है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। तो यही इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही नहीं, हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे उसका। क्वेश्चन के हमें एक्सप्लेनेशन देखने थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। तो इसमें जो सही आंसर था बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र का आश्रित चर है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं गतिशील वातावरण, फिर हम देखते हैं स्वतंत्र चर। तो आप जो है देख सकते हैं कि स्वतंत्र चर कौन है, शिक्षक जो है स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है, और वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त भी रहता है। वहीं हम आश्रित चर की बात करें तो छात्र आश्रित चर है, क्योंकि वह अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है। इन दोनों के अलावा एक हस्तक्षेप चर भी होता है, इसको भी आप देख लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है। तो हस्तक्षेप चर या इंटरवेनिंग जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर जो पाठ्य सामग्री है, शिक्षण की विधियाँ, युक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन देखना था, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो स्तर है पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है सी, चिंतनशील स्तर। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम देखते हैं कि शिक्षा के जो तीन स्तर हैं, विस्मृति स्तर जहाँ पे चीज़ें तथ्यों को कंठस्थ करते हैं, फिर अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर है जहाँ हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, फिर चिंतन या विमर्शी स्तर है। और यहाँ पे ये वर्णन है कि जो कक्षा का कक्षा का वातावरण होना चाहिए वो मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन था, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना था कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे संज्ञानात्मक के लिए कॉग्निटिव वर्ड का यूज हुआ है, और ये हम ब्लूम का जो वर्गीकरण है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण है, तीन प्रकार का है ये। संज्ञानात्मक है, एक मिनट, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक भी जिसको बोलते हैं, इसको कॉग्निटिव बोलते हैं, और फिर भावनात्मक या भावात्मक, और मनोसंचालित या साइकोमोटर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक कौशल से संबंधित है, जिसमें सही आंसर हमने लगाया था सी को, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
कि सारी कौशल का मनोसंचालन से क्या ऐसा संबंध है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र है, साइकोमोटर डोमेन है, वहाँ पे कह रहा है कि मनोगत्यात्मक मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तकनीकी कौशल अधिग्रहण जो है ये से ये संबंधित है। फिर हम देखते हैं कि किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है, या फिर एक शिक्षार्थी मशीनरी उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 देखा कि प्रयोग से संबंधित था। फिर इसमें जो है इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है, इस प्रकार इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। एक और क्वेश्चन रह जाता है हमारा, और ये हमारा क्वेश्चन है कि विश्लेषण को निम्नलिखित विकल्पों में से जो विश्लेषण अर्थात एनालिसिस है, इसके अर्थ को कौन दर्शाता है। तो हमने देखा कि ए जो है इसका सही आंसर है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं विश्लेषण का हमें एक्सप्लेनेशन देखना था फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है कि प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि जो है उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। और ठीक इसी का विपरीत हो जाता है सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण। इसमें क्या कहते हैं, हम सभी घटकों को समावेशित कर लेते हैं, कंबाइंड कर लेते हैं और ताकि समग्र सोच विकसित हो, और इसको जो है हम विश्लेषण का विलोम अर्थात संश्लेषण कहते हैं। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अभी हमारा जो मुख्य बल है वो हम MCQ सॉल्व करने पे है, बाकी अगर आपकी डिमांड होगी तो हम डिटेल में टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।